नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। काफी विद्यार्थियों के बीच कंफ्यूजन चल रहा है यहां पर 75% अटेंडेंस को लेकर। जी हां, यहां पर नोटिस देखने को मिल रहा है, सिलेबस में भी एक चीज देखने को मिली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के में एक पॉइंट अलग से लिख दिया गया है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। क्या जरूरी है, यह सवाल है। किस किस के लिए जरूरी है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। कितना महत्व है इस 75% अटेंडेंस का, क्योंकि इस बार सेमेस्टर लगा है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर रहने वाला है, सभी का सिलेबस समान है, कॉमन सिलेबस है। चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लो, कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लेना, शेखावत यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लेना, सबका समान मिलेगा, ये ध्यान रखें। तो कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सिलेबस को लेकर। सभी के सिलेबस में एक बात जो कॉमन लिखी हुई है, 75% अटेंडेंस को लेकर। 75% अटेंडेंस जरूरी है भैया, नहीं तो होंगे फेल। अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्या, फेल हो जाएंगे क्या, इन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। काफी विद्यार्थियों का कंफ्यूजन बना हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सेमेस्टर की बात करते हैं ना, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। एक बात करते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये पीजी की बात हो गई है ना। देखो भैया क्या होता था कि पहले जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में रहते थे, पिछले सेशन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हुआ, एडमिशन हो जाता था, उसके बाद में विद्यार्थी कभी कभी कॉलेज चला जाता था, फॉर्म भर के कभी नीट की तैयारी करता था, पता नहीं जो भी चीजें उसके पास पॉसिबल हो सकती थी वो कर ले जाता विद्यार्थी, और कॉलेज को यहाँ पर ड्रॉप कर देता, क्लासेज नहीं ली जाती थी, ध्यान रखिए, ऐसा पहले होता आया था। दूसरी चीजें क्या थी, 75% अटेंडेंस वहां भी अनिवार्य थी उस समय, लेकिन उस समय इतना बाउंडेशन नहीं था जितना अब कर दिया गया है, ध्यान रखें। अब क्या कर दिया कि 75% जो अटेंडेंस आपकी होने वाली है उसका भैया आपको नंबर मिलेगा। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं देते हैं तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो आपको मतलब कि आपको एग्जाम में बैठने देता है या नहीं देता। एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो फेल ही हो जाएंगे ना सेमेस्टर एग्जाम में। अब ध्यान रखो ये चीजें किस बात पे मैं बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटी का जो आया है, स्क्रीन पर देख लीजिए भैया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जो सब्जेक्ट के जारी हुए, हर सिलेबस में लिखा हुआ है, तो मैं एक सिलेबस से निकाल के आपको सामने बता रहा हूँ। इसमें देखो दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक कहा गया कि 20% नंबर का, एक कहा गया कि 80% नंबर का। 80% वाला नंबर क्या है, यह है ईओएसई, जिसको कि नाम दिया गया है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, यानी कि ये तो आपका पेपर हो गया, जो पेपर होने वाला है 80% नंबर तो पेपर से रहने वाले हैं आपके, लेकिन 20% जो नंबर रहेंगे वो किस चीज के रहेंगे, वो कंटिन्यूअस असेसमेंट के रहेंगे, ध्यान रखे। उसका मतलब क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपके जो क्लास टेस्ट लगते हैं, सत्रांक जो भेजा जाता है कॉलेजों का, ध्यान रखें, पहले कॉलेजों में सत्रांक नहीं भेजा जाता था, स्कूलों में हम देखते तो 20 नंबर सत्रांक के भेजे जाते थे। हमारी 10th और 12th की मार्कशीट में देखना आपको 20 नंबर वहां पे सत्रांक के देखने को मिलेंगे। इस बार क्या कहा गया कि कॉलेजों में भी यह चीजें चालू हो गई है भैया, 20% सत्रांक, समझने को मतलब कि हम सत्रांक बोल रहे हैं उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन चीजें क्या है कि आपका 75% अटेंडेंस अनिवार्य होना चाहिए, उसके भी नंबर उसमें जुड़ेंगे, ध्यान रखें। जहां पे स्कूलों में हम देखते थे प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, तृतीय टेस्ट जो होते थे, यहां पर एक टेस्ट भी लगने वाला है सेमेस्टर के एग्जाम से पहले फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखें। ये कॉलेज के जो टेस्ट रहेंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, तो जिसको कि इंटरनल मिड एग्जाम जिसको कैसे कह सकते हैं, वो चीजें भी यहां पर लागू रहेंगी, उसका नंबर भी इसमें काउंट कर दिया जाएगा। यानी कि 75% केवल 75% नंबर ही, अटेंडेंस ही यहाँ पे मायने नहीं रखता, यहाँ पर आपकी कंटिन्यूअस वहां पे रहना कॉलेज में यह मायने रखता है, उसका 20% नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3-4 प्रकार से डिवाइड किया गया है कि 20% में क्या क्या चीजें होने वाली है जो देखी जाएंगी, प्रैक्टिकल वगैरह से रिलेटेड आप क्लासेस लेते हैं नहीं, रेगुलर आते हैं नहीं, टीचर से व्यवहार कैसा है, इन सभी चीजों को लेकर आपका मतलब की असेसमेंट होने वाला है, वो चीजें आपको 20% में आपकी जुड़ने वाली है। ये हो गया फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन बात करूं अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो विद्यार्थी हैं, क्या वो इस नोटिस को सीरियस लेंगे। भैया नोटिस तो पहले भी था लेकिन आपको इतना बाउंड नहीं किया गया, आपके कोई 20% सत्रांक वाले जैसे नंबर नहीं है, ध्यान रखें। ये सेशन 2023-24 में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं केवल उनके लिए होने वाला है, बाकी 75% अटेंडेंस का रूल यहाँ पे भी है, लेकिन आप क्लासेज नहीं आते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, कम क्लासेज जाते हैं कभी कभी जाते हैं तो आप चल जाएगा काम जो चलाता आ रहा है कॉलेज ना, पहले भी चलाता आ रहा है ऐसा, लेकिन यहां पे जरूरी हो गया है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 75% अटेंडेंस का रूल है, 20% का नियम आपके यहाँ पे लग चुका है, ध्यान रखें। वेटेज जो 20% रहेगा वो इन्हीं चीजों को रहेगा, वेटेज जो रहेगा
तो ध्यान रहे ये अपडेट थी इसको लेकर। किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी विद्यार्थी हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, उसमें रूल लागू होने वाला है। किसी भी सिलेबस को उठा के देख लेना। आज तो आपको जो चीजें हैं जो देखने को ऐसे मिल रही होंगी कि पता नहीं क्या 75% अटेंडेंस के बारे में बताया जा रहा है, ये फोर्स किया जा रहा है कि हमारे पढ़ने को लेकर या फिर हमें रेगुलर आने को लेकर कहा जा रहा है। लेकिन मैं बता देता हूँ, जब आपका रिजल्ट आएगा ना भैया, उसमें नंबर जब कम देखने को मिले ना, 20 में से कहेंगे कि 5-5 नंबर आए हैं, 8 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं, तो पूरा इफेक्ट डालेगा रिजल्ट पर, ध्यान रखे। और अगले सेमेस्टर में फिर वो उल्टा इफेक्ट करेगा, क्योंकि पहले सेमेस्टर में आप रेगुलर नहीं रहे तो पिछला सेमेस्टर के हिसाब से फिर अगले सेमेस्टर में टीचर नंबर देगा। तो ध्यान रहे, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, क्लासेज आपकी चालू हो गई है, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है सभी के पास सिलेबस लगभग पहुंच चुका है, बीएससी के राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस आ चुके हैं, बीए के भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि कॉलेज के टीचरों के पास पहले ही सिलेबस आ चुका है, वो पढ़ा रहे हैं आपको, उसी के हिसाब से साइट पर भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। आने वाले समय में इसको लेकर जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, फिर से कह रहा हूं, इस बार टेस्ट भी लगने वाला है, मिड टेस्ट जो होते हैं वह भी लगने वाले हैं। नवंबर में आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा सेमेस्टर का फर्स्ट का। ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए नोटिस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, उससे पहले दिवाली के बाद में कभी भी टेस्ट आपके आयोजित हो सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये अपडेट्स हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से है। बात करूं जीजीटीयू की तरफ से, बांसवाड़े की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर तो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक एग्जाम होने वाला है, वो सारी चीजें बता दी उन्होंने पहले ही। तो इस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी जल्दी ही प्रोस्पेक्टस आने वाला है, सारी चीजें उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। आने वाले समय में सारी अपडेट्स चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कोई सवाल है तो कमेंट कर देना। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।